आपके विरोधी कह रहे हैं कि 9 साल 9 सवाल, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 9 साल 9 उपलब्धि। सत्ता को चुनौती देने के लिए एक नया गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन, 17 पार्टियां शामिल हुई थी, क्या कहेंगे? ये ऐसे ही करने वाले हैं तो इनका कोई इनका एजेंडा नहीं है, अगले 5 साल का कोई इनकी विजन, इनके पास विजन नहीं है। इनका तो एक ही है, मोदी हटाओ, और मोदी जी के पास इस देश को आगे ले जाने के लिए अगले 50 साल का विजन है। राय देना बहुत आसान है, सवाल उठाना बहुत आसान है जी, काम करना बहुत कठिन। कांग्रेस भी 100 रैलियों की प्लानिंग कर रही है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कांग्रेस को हरियाणा में बीजेपी के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मेरे स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। 9 वर्ष हो चुके हैं देश के अंदर मोदी सरकार बने हुए, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की एनडीए की सरकार बने हुए, और इन 9 साल के अंदर देश ने किस प्रकार से तरक्की के, उन्नति के, विकास कायम किए, किस प्रकार हरियाणा बढ़ा और कैसे फरीदाबाद बढ़ा, इस सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। और स्टूडियो में आज मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, फरीदाबाद के लगातार दूसरी बार प्रतिनिधि, और अगर ये कहें कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जो लगभग 25 लाख जनसंख्या है, वोटर है, उनके बहुत नज़दीक रहने वाले कृष्णपाल गुर्जर। मंत्री जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद बग्गू जी। मंत्री, सीधे चलते हैं, चुनावी मोड पे आ गया है सब कुछ, अभी आपने पिछले दिनों रैली की, 9 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में क्या जाएंगे मंत्री जी? देखिए मग्गू जी, एक तो ये 9 साल मोदी सरकार के जी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। इन 9 सालों में देश की जो आर्थिक रफ्तार बढ़ी है जी, जो गरीब कल्याण के कार्य किए हैं, गरीबों के लिए जो सेवा का काम किया है, उसका अगर विस्तार से मैं वर्णन करूंगा तो मैं कह भी नहीं पाऊंगा पूरा, इतना समय नहीं होगा जी। लेकिन इन 9 सालों में मोदी सरकार ने देश की मजबूती के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जी पूरी तरह से समर्पित और प्रतिबद्ध रही है। इन 9 सालों में पूरी दुनिया में देश की जो तस्वीर बनी है जी, देश का जो गौरव बढ़ा है, देश की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, वो सारी दुनिया ने और हर भारतवासी ने देखी है जी। किस तरह भारत G20 का एजेंडा तय कर रहा है और पूरी दुनिया उसको मान रही है जी। किस तरह आज पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से जो आर्थिक रफ्तार है वो आज भारत की है जी। बाकी जो विकसित राष्ट्र हैं आज वो भी, उनकी भी जो आर्थिक रफ्तार है वो भारत से बहुत पीछे है जी। और आज हर क्षेत्र में देखें, अगर सड़कों पे देखें, जो कभी UPA कांग्रेस के शासन में 12 किलोमीटर बनती थी, आज 36-37 किलोमीटर पर डे बनती हैं जी। जो एयरपोर्ट 70 सालों में 74 बने, इन 9 सालों में मोदी सरकार ने 74 बना के दिए। जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 70 सालों में 20,000 किलोमीटर हुआ, इन 9 सालों में 40,000 किलोमीटर हुआ जी। जो मेडिकल कॉलेज 400 थे वो आज 700 से ज़्यादा हो गए। जो यूनिवर्सिटी 700 थी आज 1100 से ज़्यादा हो गई। आज ट्रेनों की सफाई देखो, ट्रेनों की स्पीड देखो, आज रेलवे स्टेशन की हालत देखो, खान पान देखो, आज अगले 2-3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, जो सफ़र को आसान भी बनाएंगी और अच्छा भी बनाएंगी और समय भी कम लेंगी जी। ऐसे हर क्षेत्र में आप देखिए, 2014 तक 8 लाख करोड़ के मोबाइल भारत इंपोर्ट करता था, आज 3 लाख करोड़ के भारत मोबाइल एक्सपोर्ट करता है जी। आप देखिए, बच्चों के खेलने के खिलौने पहले दुनिया से भारत में आयात होते थे, आज भारत निर्यात करता है। यानी कि हर क्षेत्र में देखिए, आप किस किस क्षेत्र की बात करूं, आप मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये फोन है जिसका जो GB डाटा है, पहले 20 GB डाटा हर भारतीय एक इस्तेमाल करता है, 2014 से पहले हर भारतीय को कितना के पे करना पड़ता था, 5,000 से 6,000 रुपया 20 GB डाटा के लिए पे करना पड़ता था जी। लेकिन आज 2014 के बाद मोदी सरकार ने आने के बाद वो 5,000 से 6,000 से आज 500-600 रुपये 20 GB डाटा का आज पे करना पड़ता है जी। हर भारतीय का 4-5,000 रुपया
मोदी सरकार ने बचाने का काम किया। आज देश के 6 लाख गांवों को आज इंटरनेट से फाइबर केबल बिछाकर इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। आप देखेंगे हर 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। आप देखेंगे इन 9 सालों में 11 करोड़ से ज़्यादा घरों में पीने का पानी पहुंचाया गया है जी। 3 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिए गए हैं किसके, और 10 करोड़ 74 लाख यानी कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त में साल का आयुष्मान कार्ड दिया गया है जी। मतलब हर वो काम देश को आर्थिक तौर पे भी मजबूत किया है और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी बचाने का काम किया है। आज धारा 370 कहीं नज़र नहीं आती। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज देखिए जितने तीर्थ स्थल हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, सोमनाथ हो, महाकाल का उज्जैन का महाकाल हो, सबका जीर्णोद्धार किया जा रहा है जी। मतलब सांस्कृतिक विरासत को भी सवाल, मतलब विकास के साथ साथ संस्कृति, धर्म, धरोहर, इन सबको लेकर। मंत्री जी, चुनाव का समय आ रहा है नज़दीक, पूरे देश के अंदर विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, बीजेपी यानी कि मोदी जो आप सरकार है आपकी जो चल रही है 9 साल से, उस सत्ता को चुनौती देने के लिए एक नया गठबंधन बन रहा है, महा गठबंधन, 17 पार्टियां शामिल हुई थी, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कभी इसको गठबंधन का नाम नहीं दे, ठगबंधन है जी। 2005 से 14 तक इसी ठगबंधन ने जी पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को, देश के गौरव को गिराने का काम किया था जी। 12 लाख करोड़ के घोटाले इन लोगों ने उन 10 सालों में किए थे, जिसके लिए जेल की सलाखों के पीछे भी इनको जाना पड़ा था जी जी। और आज भी ये जमानत पर हैं जी। मेरा कहने का मतलब है, आप जो ये ठगबंधन बनाने की कोशिश जी, लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं जी। ये इनका शर्तों पे गठबंधन होने वाला है, शर्तें चाहिए। मुझे पूर्व पश्चिम फिल्म की वो 2 लाइनें याद आ रही हैं, कोई शर्त होती नहीं प्यार में जी, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। अब आप प्यार की बात कर रहे हो तो लालू यादव तो राहुल गांधी के प्यार की शर्त लगा रहे थे, दूल्हा बना रहे थे उनको। देखिए ये तो मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, इस बारात में हर दूल्हा है जी, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, मोदी हटाओ जी, बीजेपी हटाओ, लेकिन उस मकसद में कामयाब नहीं होंगे जी। और कोई उंगली कटाने को तैयार नहीं है जी, सबके दरवाजे दूसरे के लिए बंद हैं जी, दूसरों के दरवाजे अपने लिए खुला रखना चाहते हैं जी। आप ममता की बात ले लो, वो कहती है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट लड़कर बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। अखिलेश कहता है कि उत्तर प्रदेश में ये कांग्रेस और दूसरी पार्टी लड़के बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। यही BRS का जो तेलंगाना का जो लीडर है वो भी ये कहता है, मतलब हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारे घर में हमारे लिए जगह होनी चाहिए। ये ऐसे करने वाले हैं तो इनका कोई इनका एजेंडा नहीं है, अगले 5 साल का कोई इनके विजन, इनके पास विजन नहीं है, इनका तो एक ही है, मोदी हटाओ। और मोदी जी के पास इस देश को आगे ले जाने के लिए अगले 50 साल का विजन है जी। और संजय जी याद रखना, इस देश का नेतृत्व वही करेगा जिसमें इस देश को विजन के साथ आगे ले जाने का मादा है, और वो मादा हर भारतीय को नरेंद्र मोदी में दिखाई देता है। मंत्री, ये बात तो देश की हुई, कुछ बात हरियाणा और खासकर आपके फरीदाबाद की करते हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं कि 9 साल 9 सवाल, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 9 साल 9 उपलब्धि। संजय जी, एक मैं अपने लोकसभा की बता जी, मैं आपके फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ आपसे। आप देखिए नेशनल हाईवे नंबर 2 जिसको आज 19 कहते हैं, पहली उपलब्धि, आप आज इस पे लोग सफर करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, ये उन्हीं पे छोड़ते हैं जी। नंबर दूसरी जी, दिल्ली बड़ोदरा बॉम्बे हाईवे जी, जो जनवरी में शुरू हो जाएगा और मेरठ, गाजियाबाद, जयपुर, रणथंबोर, बॉम्बे की दूरी सिमट कर बहुत कम समय की रह जाएगी जी। नंबर 3, ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए आप देखिए मझावली का पुल जो बन के तैयार हो गया, 2 साल की कोरोना के कारण देरी हुई, लेकिन सितंबर तक उस पर आवागमन शुरू हो जाएगा जी। नंबर 4 जी, आप देखिए जेवर से कनेक्टिविटी, नया नेशनल हाईवे जिसका काम शुरू हो गया है, 2024 में वो कंप्लीट हो जाएगा जी। नंबर 5, अभी अभी FNG को मंजूरी दिलाई है, जो फरीदाबाद बड़कल से सीधा अम्मा हॉस्पिटल, सीधा नोएडा और गाजियाबाद, यानी कि फरीदाबाद का रिंग रोड हो गया एक तरह से। हाँ चलिए, ये नंबर 5 वो हो गया, मतलब नोएडा फरीदाबाद से 10 मिनट में पहुंचेंगे, गाजियाबाद
25 मिनट में पहुंचेंगे एफएनजी से, उसका काम शुरू हो गया। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी 1000 करोड़ नंबर 6 जी दौला में चल रही है। आप उसके बाद देखिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक महिला कॉलेज आप देखिए चल रहे हैं, महिला कॉलेज हो गए। आप मैं तो नौ क्या मैं आपको 900 बता दूंगा। आप उसके बाद देखिए डिवीजन बनाने का काम फरीदाबाद को किसने किया, पहले गुड़गांव में डिवीजन होती थी, आज पलवल फरीदाबाद के अलग डिवीजन है जी। यानी एफएमडीए बनाने का काम। आप नहरों पे देखिए आगरा कैनाल गुड़गांव कैनाल, जहां अंग्रेजों के जमाने के पुल थे हमने दर्जनों पुल 4 लेन के बनाए हैं, अब नहर पार जाने के लिए कोई जाम नहीं लगता। मंत्री जी एक उपलब्धि आपकी स्मार्ट सिटी भी है। हाँ, बड़े सवाल उठते हैं उस पे। नहीं देखिए अब सवाल करने वाले देखिए मैं कह रहा हूं राय देना बहुत आसान है, सवाल उठाना बहुत आसान है जी, काम करना बहुत कठिन है। 100 स्मार्ट शहरों में फरीदाबाद आया, मेरे साथ चलिए मैं दिखाता हूँ, बुलाइए उनको कि सड़कें कैसी हैं, पहले कैसी थी आज कहती हैं कैसी हैं वो सड़कें, रात को जगमगाती हैं वो लड़के, फुटपाथ हैं उन पे, साइकिल ट्रैक हैं उन पे। पहले गूगल निकालिए स्मार्ट सिटी से पहले उन सड़कों की हालत देखिए और आज देखिए जी। पार्कों की हालत पहले क्या थी आज क्या ही है। इसके अलावा ये भी नहीं हम नए नए सिटी पार्क लेके आए, 31 में देखिए आप हर पार्कों का जीर्णोद्धार किया है। हम नए बच्चों के खेलने के लिए ऑल वेदर स्टेडियम लेके आए हैं जहाँ 10-10, 12 बैठक वहाँ खोल सकते हैं। मतलब एक थोड़ी इतना अब फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन आके देखिए काम शुरू हो गया, 286 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट जैसा बनेगा, काम शुरू हो गया, अगले साल 1.5 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला रेलवे स्टेशन देखो और आज का देखो, और इस बजट में हमने NIT बल्लमगढ़ और पलवल के रेलवे बजट में इस बार हमने वो भी पास करा दिए हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए सब में तेजी के साथ सुधार हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि दो गूगल निकालिए आज कोई बात छुप नहीं सकती। आप गूगल निकालिए 2014 से पहले की फरीदाबाद की सड़कों को देख लीजिए, फरीदाबाद के पार्कों को देख लीजिए, अंधेरे में डूबी हुई गलियों को देख लीजिए, सड़कों पे लगता हुआ जाम देख लीजिए, सारा देख लीजिए। आज बड़कल झील का आज रिवाइवल हो रहा है। आप जाइए सचिवालय कौन था, एक 12 सेक्टर में था, आज बल्लमगढ़ में सचिवालय है, नया सचिवालय बन गया, बल्लमगढ़ में कॉलेज बन गया, स्कूलों की बिल्डिंग देखो, संस्कृति स्कूल देखो, और अब हमने बड़कल में भी नए सचिवालय की घोषणा कर दी। मेट्रो की बात ये करते हैं, ये 10 साल में 7 किलोमीटर मेट्रो लेके आए बॉर्डर से और YMC तक जी जी। और अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है सर्वे शुरू हो गया है, घोषणा के 2 दिन बाद से ही अब 24 किलोमीटर मेट्रो बल्लमगढ़ से। तो वो तो कह रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो में पहले से ही था कि पलवल तक मेट्रो देंगे, देर कर दी आपकी सरकार ने। नहीं 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 नहीं, किसके मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया कि भूपेंद्र हुड्डा से ये पूछना हुड्डा साहब से कि जो मेट्रो आप पहले लेके आए थे कहां से पैसा दिया था, फरीदाबाद के EDC का पैसा था जो फरीदाबाद के नहर पार के डेवलपमेंट पर खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो पैसा उठाकर हमारे EDC का डेवलपमेंट का पैसा वो मेट्रो में दे दिया जी। आज EDC का पैसा मेट्रो में नहीं दिया था, आज सरकार पैसा देती है। अभी 24 किलोमीटर मनोहर जी इसका पैसा देंगे, हरियाणा सरकार इसका पैसा देगी, और ये नहीं आप पलवल का देखिए, पलवल से ऑल्टीबल रेल 6000 करोड़ की जो पलवल से कुंडली को जोड़ेगी, उसका काम भी शुरू हो गया जमीन एक्विजिशन का। तो एक 6000 करोड़ की वो ऑल्टीबल रेल भी हम उसको दे रहे हैं पलवल से और कुंडली तक दे रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इतना 9 साल में जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का स्वरूप बदला है, मतलब वो सबके सामने मेरे कहने से नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देख लो, हेल्थ के क्षेत्र में देख लो, गरीब कल्याण के क्षेत्र में देख लो, किसानों के लिए, और ये कहते हैं किसानों की बात। इन्होंने किसानों को 10 साल में फसल खराबी का मुआवजा दिया 1100 करोड़, और मनोहर जी की सरकार ने 10 साल में मुआवजा दिया 9670 करोड़, 9 गुना। इन्होंने 10 साल में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई, विधवाओं की पेंशन बढ़ाई 700 रुपये, और मनोहर जी की सरकार 10 साल में पेंशन बढ़ाएगी 2000 रुपये। इन्होंने 10 सालों में मतलब 10 सालों में इनके ज़माने में 6500 गाँव में से 600 गाँव में बिजली आती थी जी, मनोहर जी ने 6500 में से आज वो 5600 गाँवों में 24 घंटे बिजली कर दिए, अगले साल तक तमाम गाँव सब गाँवों में बिजली हो जाएगी। पहले इनका जो निर्यात था हरियाणा का वो 68000 करोड़ का था, आज वो 218000 करोड़ का हो गया।
नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी, योग्यता के आधार पर व्यवस्था परिवर्तन, अब सिफारिश और रिश्वत के आधार पर नहीं, आज योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। एक जमाना वो आ गया था कि हरियाणा के नौजवानों की पढ़ने में रुचि कम हो गई थी, उनके मन में ये समा गया था कि अब पढ़ने से नहीं सिफारिश और पैसे से नौकरी मिलेगी तो पढ़ने का फायदा क्या, ये निराशा हरियाणा के नौजवानों में घर कर गई थी। लेकिन उस निराशा को विश्वास में बदलने का काम मनोहर जी की सरकार ने किया और ये तय कर दिया अब सिफारिश के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, पैसे के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर हरियाणा के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। और आज देखिए इतना बड़ा परिवर्तन नौजवानों के मन में आ गया, जो पढ़ाई से उनकी रुचि कम हो गई थी, अब उनमें ये विश्वास जग गया कि अब पढ़ने वाले योग्य बच्चे को नौकरी मिलेगी। ये कोई छोटा व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, ये बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन है जो मनोहर जी की सरकार ने करके दिखाया है। मंत्री, हरियाणा की बात कर रहे हैं काफ़ी देर से आप, आपकी पार्टी ने रैलियाँ की हैं, भारत गौरव रैलियाँ लोकसभा क्षेत्रों में, कांग्रेस भी 100 रैलियों की प्लानिंग कर रही है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कांग्रेस को हरियाणा में बीजेपी के लिए? कहीं कोई ना देश में चुनौती है ना प्रदेश में कोई चुनौती है, कांग्रेस इकट्ठे हो रहे हैं आजकल। देखिए कितने इकट्ठे हो जाओ, सवाल जनता का है, जनता किसके साथ है, जनता का भरोसा किस में है जी? आज देश के लोगों का भरोसा मोदी जी ने जीता है, प्रदेश के लोगों का भरोसा मनोहर लाल ने जीता है, जिनका सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, आज सब जगह विकास दिखाई देता है, सबके साथ समान व्यवहार दिखाई देता है। आज हरियाणा के लोग उदाहरण देते हैं कि आज हरियाणा में एक निष्कलंक, एक ईमानदार, एक ट्रांसपेरेंट सरकार है, ईमानदार नेतृत्व में आज एक ईमानदारी के साथ काम करने वाली सरकार है। तो ये भरोसा मनोहर जी ने हरियाणा में जीता है, देश में, और देश का नहीं, आज मोदी जी तो ग्लोबल लीडर हो गए हैं जी, देश का भरोसा तो उन्होंने जीता है, आज दुनिया के देशों का भरोसा मोदी जी ने जीता है, ये साक्षात दिखाई देता है कि जब दुनिया में मोदी जी जाते हैं जो डंका बजता है, जो भारत का डंका बजता है वो सब देखते हैं। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और विपक्ष का आज बैंड बजा हुआ है। मोदी जी ग्लोबल लीडर देश के, विश्व के, मनोहर जी ग्लोबल लीडर हरियाणा के, और फरीदाबाद के ग्लोबल लीडर कृष्णपाल गुर्जर। नहीं, नहीं। अगला लोकसभा चुनाव है, क्या समझ रहे हैं, कोई मुकाबला होगा? देखिए, और दूसरा सवाल साथ साथ, क्या उम्मीदें जनता आपसे करे अगले 5 साल के लिए? और देखिए जनता उम्मीदें उनसे करती है जो कुछ करते हैं जी, जिन्होंने कुछ करना ही नहीं उनसे कोई अपेक्षा लोगों की नहीं होती, कोई उम्मीदें नहीं होती जी जी। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे काम करते हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं, इसलिए उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं जी। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं पूरे जीवन में, सिर्फ झूठ बोलने के, सिर्फ ठगने के जी, तो उनसे उम्मीदें क्या करेंगे? उम्मीदें हमसे ही हैं, उम्मीदें मोदी जी से हैं, उम्मीदें मनोहर जी से हैं, उम्मीदें हमसे हैं, और हम विश्वास दिलाते हैं क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, निश्चित तौर पर जो उम्मीदें उन्होंने हमसे लगाई हैं हमने उनको पूरा करने का पूरा भरसक प्रयत्न किया है, और जो रह गई है निश्चित तौर पर उन सब का भी करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णपाल जी आपका, और भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।